मुजफ्फरपुर नगर निगम ने कोविड से हो रही मौत को लेकर एक शव वाहन खरीदा है। इससे आम लोगों की परेशानी अब थोड़ी कम होगी। नगर निगम के मेयर ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए अस्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें युद्ध स्तर पर सभी वार्डों का सैनिटाइजेशन करना प्रमुख है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अगर निगम क्षेत्र में किसी की मौत कोविड से होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम प्रशासन 7,000 रुपये खर्च करेगा। कोई भी किन्हीं की भी मृत्यु होती है, वो उस पर एक फोन नंबर लिखा रहेगा, उस फोन पर करेंगे, निशुल्क यहाँ से गाड़ी उनके डेड बॉडी को ले आके और शमशान घाट पे हो, मुक्तिधाम में हो, वहाँ ले आके जला के मुक्ति दिया जाएगा उनको। ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि चूंकि ये मृत्यु की बात होगी, अभी स्थिति है कि और भयावह स्थिति, हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो अधिकारी ने बताया कि अभी भयावह स्थिति आने वाली है, इसके लिए एक सख्त निर्देश दिया गया है कि सैनिटाइजिंग, जो चूंकि कर्मी है, हमारे निगम कर्मी है, अंदर घर के अंदर जा सकते नहीं है, लेकिन नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये सख्त आदेश मेरा हुआ है कि 400 वार्ड में कोई भी ऐसा घर न हो जो नहीं छूटे नहीं सैनिटाइज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज कर रहा है, इसमें माने वार्ड पार्षदों के देख रेख में करना है सबको है। सैनिटाइजिंग बहुत जरूरी चीज है, उसने हम लोगों ने पास किया, हम लोगों ने ये मुक्तिधाम का भी हो गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर का नगर निगम में ऑक्सीजन बैंक बनेगी, 20 सिलेंडर का हम लोगों ने आज नगरायुक्त को निर्देश दिया है, वो कल डीएम साहब से बात करके जो करना है फॉर्मेलिटी करके अविलंब 2 से 3 दिन में नगर निगम में आ जाएगा 20 सिलेंडर। और भी बहुत सारा मीडिया के बंधु लोग भी थे जो वर्चुअल जुड़े हुए थे, उन लोगों का जो सुझाव था हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने उसको पास किया है।